एनुलर डिस्क है, तो इस एनुलर डिस्क की जो रेडियस है, इनर रेडियस, उस इनर रेडियस को मैं R1 ले लेता हूँ और आउटर रेडियस को मैं R2 ले लेता हूँ, ठीक है। ये तो अब यहाँ पर भी मैं एनुलर डिस्क है, तो यहाँ पर मैं डिफरेंशियल इलिमेंट भी क्या लूंगा, रिंग ही लूंगा। तो ये रहा अपना डिफरेंशियल इलिमेंट, दिस डिफरेंशियल इलिमेंट इज रिंग, ये डिफरेंशियल इलिमेंट रिंग है, ठीक है, क्लियर है। तो अगर ये डिफरेंशियल इलिमेंट रिंग है तो सबसे पहले हम इसमें मासेस कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें कितना मास आया होगा, इसमें मास आया होगा डीएम। डीएम कैसे निकालते हैं, मास पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाई छोटा एरिया। पहले इसका छोटा एरिया निकाल, यहाँ से मैं वाई डिस्टेंस पे जाके और इसकी थिकनेस डी वाई का रिंग लिया हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इसको खोलूंगा तो ये इसकी थिकनेस आ जाएगी, समझ रहे हैं, इसकी थिकनेस आ जाएगी डी वाई और इसकी लेंथ आ जाएगी पाई वाई, ठीक है ना, क्योंकि इसकी रेडियस वाई है तो इसकी लेंथ हाफ है तो पाई वाई आ जाएगी। तो अगर इसकी जो एरिया आ जाएगी, छोटा एरिया जो आ जाएगा वो आ जाएगा पाई वाई डी वाई, क्लियर है। अब इस पूरे जो एनुलर डिस्क है उसकी एरिया कितनी होगी, कैपिटल ए कितनी होगी, तो इस एन पूरे अगर पूरा सर्कल होता, पूरा सर्कल होता तो एरिया कितनी होती है, पाई आर स्क्वायर। तो पूरा सर्कल अज्यूम कर लो आर रेडियस का, आर टू रेडियस का, तो पाई आर टू स्क्वायर, और उसमें जो आर वन रेडियस का एरिया निकाल दोगे और टू से डिवाइड कर दोगे तो ये एरिया आ जाएगा, मतलब पाई आर टू स्क्वायर पूरे सर्कल का एरिया बाहर माइनस पाई आर वन स्क्वायर, ठीक है। वो अंदर वाला जो सर्कल था वो मैंने उसका एरिया निकाल दिया, अब आधा है तो टू से डिवाइड कर दो, तो इसकी जो एरिया बनेगी पाई बाई टू आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर एरिया। अब इसमें जो डीएम आया उसको पहले ढंग से लिख लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं इधर, ठीक है। चलो तो ये जो डीएम आएगा वो उसको मैं इधर ढंग से लिखता हूँ, तो डीएम इज इक्वल टू मास, मास पर यूनिट एरिया, इसकी एरिया ए है, ठीक है, टू ऊपर चला गया पाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई छोटा एरिया, छोटू कहाँ गया, तो वाई और ये डी वाई, दिस इज द डीएम। पाई ने पाई को ख़त्म कर दिया तो यह आ जाएगा टू कैपिटल एम वाई और ये आ जाएगा आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर, दैट इज द डी वाई, ठीक है, दिस इज द डीएम। ऑलवेज थोड़ा सा डीएम निकालना ही मेन गेम होता है, बाकी तो फार्मूला आप लगाना जानते हो, फार्मूला तो आपको याद है, ठीक है, फार्मूले में कोई दिक्कत नहीं है, डीएम निकालना थोड़ी सी चैलेंजिंग काम होती है। तो ये आ गया डीएम। अब डीएम जब आ गया तो इस रिंग का जो वाई कोऑर्डिनेट है, एनुलर ये जो डिफरेंशियल रिंग लिए हैं, ये जो हम लोग डिफरेंशियल रिंग लिए हैं ये वाला येलो वाला, इस डिफरेंशियल रिंग का जो सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट आएगा वो आ जाएगा टू वाई अपन पाई पे, क्योंकि रिंग है। तो जो अब मैं फार्मूला लगाऊंगा, तो जो अगर पूरा सेंटर ऑफ मास लिखूंगा तो क्या फार्मूला होता है, वाई डीएम होता है, और लिमिट वाई इज इक्वल टू आर वन टू आर टू, आर वन से आर टू तक लिमिट जाएगा। तो चलो यहाँ वाई डालो पहले, तो वहां पे मैं वाई डालूँ तो वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू है टू वाई अपान पाई और डीएम ऊपर निकाल लिए हम लोग, तो टू कैपिटल एम वाई और आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर एंड दैट इज द डी वाई, और लिमिट जाएगा वाई इज इक्वल टू आर वन से y इज इक्वल टू आर टू, दिस इज द लिमिट। ये सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस एनुलर डिस्क का y, अब इसी को कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें फाइनल सोल्यूशन मिल जाएगा। चलो कैलकुलेट करते हैं इसको, तो जो कैलकुलेट करने के लिए, और वन अपान एम, कैपिटल एम से डिवाइड भी तो करेंगे, ऊपर किए थे नहीं किए थे, तो वन अपान कैपिटल एम, तो कैपिटल एम बाहर आके कैंसिल हो गया, तो ये बचा फोर फोर और नीचे बचा पाई और साथ साथ आर टू स्क्वायर माइनस आर वन का स्क्वायर और इंटीग्रेशन आर वन से आर टू तक, आर वन से आर टू तक, और ये
वाई स्क्वायर डी वाई का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब वाई स्क्वायर डी वाई का इंटीग्रेशन करोगे तो ये मुझे मिलेगा 4/3 और -r1 की पावर q, ठीक है। तो जो अच्छा वाला एक्सप्रेशन मिला, तो सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 4/3 πr2 r2 की पावर q -r1 की पावर q और डिवाइडेड बाय r2 की स्क्वायर -r1 स्क्वायर, ठीक है। ये अब देखो, इसमें r1 जीरो रख के देखो, पूरी हाफ डिस्क आ जाएगी,